हेलो गाइस, मैं अंकिया। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज विच आर लोकेटेड इन नवी मुंबई। यहाँ पर हम देखेंगे कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है आपका, उस कॉलेज में फीस कितना है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, फैसिलिटीज कैसा है और कौन कौन से कोर्सेस आपको देखने मिलेंगे उस कॉलेज में। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो कॉलेज है गाइज वो है पिल्लई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज लोकेटेड इन पनवेल। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस कॉलेज का आपका फीस कितना है, 1,28,000। अगर कोई डीएससी के लिए आ रहा है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, जो कि डिप्लोमा से आते बच्चे, उनके लिए फीस है 1,29,000। और यहाँ पर ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, टीएफडब्ल्यूएससी सारे कैटेगरी वाइज फीस यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। ये कॉलेज मैंने फर्स्ट इसलिए डाला है क्योंकि ये कॉलेज ऑटोनॉमस हो चुका है और ऑटोनॉमस कॉलेज के फायदे होते हैं थोड़े बहुत एज कम्पेयर टू नॉन ऑटोनॉमस, तो इसके लिए कॉलेज जो है फर्स्ट आया है। नहीं तो अगर हम देखें पिल्लई और एसआईएस फर्स्ट पर ही लाए करेंगे, बस ऑटोनॉमस है इसलिए पिल्लई जो है यहाँ पर फर्स्ट आ चुका है। एंड ये सारे आपके रिक्रूटर्स है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर पॉज करके। आई लाइक रिक्रूटर्स के कमी आपको इस कॉलेज में देखने नहीं मिलेंगी। एंड दिस इज द प्लेसमेंट डाटा गाइस, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका कॉम ब्रांच है, इन्फोसिस, जारो एजुकेशन ने 12 LPA यहाँ पर दिया, तो 12 LPA का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर गया था, 10 LPA भी दिया यहाँ पर बायजूस ने। और अगर आप देखोगे तो 4 लाख अराउंड एवरेज पैकेज है फॉर कंप्यूटर ब्रांच। एंड दिस आर सम मोर डाटा गाइस फॉर EXTC ब्रांच एंड जो भी आपके और ब्रांचेस है उसके लिए भी डाटा अवेलेबल है ऑन द ऑफिशियल कॉलेज वेबसाइट। तो यस, दिस वॉज अबाउट प्लेसमेंट गाइज। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइज तो नेक्स्ट है आपका कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये जो कोर्सेज हमने देखे इसके क्या कट ऑफ है वो अब हम देखते हैं। तो दिस आर द कट ऑफ गाइज, 2020 का ये कट ऑफ था आपका और 2021 का ये कट ऑफ था। 2022 का जब कट ऑफ होगा मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं सारे कट ऑफ बता दूंगा आपको नवी मुंबई के कॉलेजेस के। तो ये 2021 का कट ऑफ था गाइस, अराउंड इसी के अराउंड होगा, 91-92 के अराउंड ही होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का फॉर पिल्लई इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड यस, दिस वॉज कट ऑफ गाइस। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस, नेक्स्ट कॉलेज इज SIS ग्रेजुएट। तो ये जो कॉलेज है इसमें ये सारे कोर्सेज आपको देखने मिलेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रिंटिंग एंड पैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT एंड साइबर सिक्योरिटी, AI एंड मशीन लर्निंग, AI एंड डाटा साइंस। तो ये सारे आपको कोर्सेज देखने मिलेंगे इस कॉलेज में गाइज। जो हमने कोर्सेज देखे उसके क्या क्या कट ऑफ है यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है जो कि आप पॉज करके देख सकते हो। तो हाईएस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ इन नवी मुंबई इज फॉर SIS ग्रेजुएट ऑन 94 है यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ। और 2020 और 2021 में यहाँ पर लाइक अगर आप देखोगे तो 2021 में बढ़ा था, तो आई होप कि 94.5 तक ही जाए ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यहाँ पर कट ऑफ। सो यस, SIS ग्रेजुएट। नेक्स्ट अगर हम देखें फीस इसका, तो 1,41,000 यहाँ पर आपका फीस जाएगा और भी आपके जो एग्जामिनेशन फीस ये सारे इंक्लूड करोगे तो 1,50,000 के अराउंड फीस जा रहा है। तो फीस थोड़ा हाई साइड पे यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एडमिशन फॉर्म कैप राउंड के पहले जब आपको अलॉटमेंट होगा तो 2,000 रुपीज आपको वो भी भरना पड़ेगा। तो इस फीस थोड़ा हाई साइड पर है यहाँ पर। एंड प्लेसमेंट हाईलाइट अगर हम देखें, 27 LPA का गया था गाइस एंड 7.5 LPA भी गया, 10 LPA भी गया है इस कॉलेज का। एंड यहाँ पर प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक है गाइस, 2021-2022 इन प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है और मोर देन 80% लोगों का जो है प्लेसमेंट हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड थिंग गाइस। क्योंकि लाइक एक वीडियो मैं बनाऊंगा आगे, जब आप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा आपका तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा फ्यूचर के लिए प्लेसमेंट में। तो यस, वो पॉइंट मुझे अभी नहीं बताने, बट यस 80%+ हो चुका है और आई थिंक सो और बढ़ चुका होगा नंबर क्योंकि डाटा पहले का है। एंड यस, दिस इज प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक। यहाँ पर अगर हम देखें ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्लेस्ड हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो नंबर हमें डिक्रीज थोड़ा देखने हुए मिल रहा है। 2016 में जितने हो रहे थे, 1920 में उतने नहीं हुए। और अगर हम देखेगा इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यहाँ पर है ऑन कैंपस कौन सा कंपनी आया, कितना पैकेज लगा वो नहीं यहाँ पर मेंशन था, बस नाम, बच्चों का नाम,
उनका जो भी रोल नंबर होता है वो कौन से ब्रांच से थे और ऑन कैंपस ऑफ कैंपस एंड कौन से कंपनीज ने उन्हें एक्वायर किया। तो ये था अबाउट दिस गाइज। AWS यहाँ पर आ चुका है, अमूल एशियन पेंट एंड HDFC IBM इन्फोसिस एग्जावेल ये सारे कंपनीज आ चुके हैं गाइज यहाँ पर। एंड यस दिस वॉज अबाउट SIS ग्रेजुएट गाइज। नेक्स्ट इज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पर अगर हम देखें ये सारे कोर्सेस है, टोटल यहाँ पर 6 कोर्सेस हमें देखने मिलते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी गुड गाइज, सो यू कैन कंसिडर डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम हियर। एंड कोर्सेस अगर हम देखें गाइज यहाँ पर जो हमने कोर्सेज देखे उसके क्या कट ऑफ है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कट ऑफ रेंज है गाइज, ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ ये सारे कॉलेजेस के ऊपर, आई बटन पर आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखता होगा सारे वीडियोज का लिंक। तो यस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 92.6, सो 2022 में 92.4 से लेकर 92.8 तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका कट ऑफ हो। एंड यस दिस वॉज अबाउट कट ऑफ लिस्ट गाइज। नेक्स्ट अगर हम देखें ये आपका फीस है 1,07,000 यहाँ पर फीस है फॉर ओपन कैटेगरी। EWS, EBC, OBC इनका फीस है 61,000। SC, ST, NT इनका कैटेगरी, ये सारे जो कैटेगरी में लायक होते हैं इनका फीस है 16,000। जम्मू एंड कश्मीर 2,000 एंड TFWS में जो आ जाएंगे उनका फीस है 16,000। TFWS इनके ऊपर एक वीडियो आने वाला है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। सो यस दिस वॉज अबाउट फीस गाइज। नेक्स्ट अगर हम देखें ये जो है आपका प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक है केमिकल इंजीनियरिंग में, देखें गाइज एक काफ़ी डिसेंट प्लेसमेंट हमें दिखने मिल रहा है। जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि कई कॉलेज में तो केमिकल के बच्चों को प्लेसमेंट मिलता ही नहीं है। जो आपके कोर ब्रांचेस होते हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल हो गए, उनको जब आप देखोगे प्लेसमेंट के टाइम तो उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है क्योंकि कंपनीज इतने आते नहीं है। तो यस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्लेसमेंट है। एंड यस दिस आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि यहाँ पर प्लेस्ड हुए। ये है प्लेसमेंट डाटा गाइस जो कि आप पॉज करके देख सकते हो। एंड दिस इज द हॉस्टल फीस। सबको डाउट होता है कि हॉस्टल है या नहीं, तो यस दिस कॉलेज हैज हॉस्टल। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक साल का आपका फीस है 83,000 विद मेस। यहाँ पर ये सारे रिक्रूटर्स है जो कि आप पॉज करके देख सकते हो। सो रिक्रूटर्स की भी कमी आपको इस कॉलेज में यहाँ पर देखने नहीं मिलेंगे गाइज। नेक्स्ट कॉलेज इज गाइज तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज, तेरना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो इस कॉलेज में अगर हम देखें ये सारे कोर्सेज है गाइज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, AI एंड डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, ये सारे हैं कोर्सेज विच दिस कॉलेज प्रोवाइड्स। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 90.6 से 90.9 कट ऑफ यहाँ पर गया था। 2020 में 90.9 था और 90.6 हमें देखने मिला इन 2021। तो यहाँ पर 90 से 91 के बीच में मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि इस कट ऑफ होना चाहिए इस कॉलेज का। और बाकी सारे अगर हम देखें 88, 86, 70, और तो कोर ब्रांच जैसे करना है कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो आप कट ऑफ देख सकते हो कि इनका कट ऑफ ये था। और यहाँ पर अगर हम देखेगा इस फीस कैटेगरी वाइज बात करें तो 1,30,000 फीस है फॉर OBC, इट इज 79,000 फॉर VJET, SBC कैटेगरी। फॉर इनकम ग्रुप बिलो 8 लाख ओनली इनके लिए है फीस 29,000। तो यस दिस वॉज अबाउट फीस गाइज। SC ST कैटेगरी के लिए फीस है 16,000। एंड दिस आर द रिक्रूटर्स गाइज, TCS, CarWale.com, Accenture, Jio, IBM, तो ये सारे रिक्रूटर्स थे गाइज। एंड दिस इज योर प्लेसमेंट डाटा। सिविल में आप देख सकते हो कि 1.48 यहाँ पर 1.48 लाख सैलरी नहीं डालना चाहिए था, इन्हें पैकेज डालना चाहिए था। तो 1.48 लाख का 2 लाख अराउंड इन्हें प्लेसमेंट मिला है। एंड और अगर हम देखें गाइज तो ये जो है 10 LPA गया है, LTI ने यहाँ पर 10 LPA दिया। एंड एवरेज अगर हम देखें गाइज 4 LPA के अराउंड यहाँ पर जा रहा है। तो यस दिस वॉज अबाउट तेरना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज गाइज दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज में ये सारे कोर्सेस हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, AI एंड डाटा साइंस, मैकेनिकल, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सारे कोर्सेज है गाइज जो हमने कोर्सेज देखे, इनके कट ऑफ है फॉर 2021। एंड यस ये सारे कट ऑफ है गाइज। 91 से 92 के अराउंड में एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर दत्ता मेघे कॉलेज 2022 का कट ऑफ। एंड ये है आपका फीस। फॉर ओपन कैटेगरी इट इज अराउंड 1,08,000। OBC के लिए आपका 66,000। SC ST के लिए 13,000। एंड यस दिस वॉज ऑल अबाउट द फीस। सारे कैटेगरी वाइज फीस आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर। दिस इज अबाउट प्लेसमेंट डाटा यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इनका सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है। हर कॉलेज में इनका ही प्लेसमेंट आपको ज़्यादा देखने मिलेगा।
एंड कंपनीज विजिटेड हैज अराउंड 50 प्लस कंपनीज हैव विजिटेड. मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर 10 LPA का गया है. एंड दिस आर द रिक्रूटर्स गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो HCL, TCS, Capgemini, eSelrex, Appar Industry, ये सारे आपके कट ऑफ है, सॉरी रिक्रूटर्स है. एंड यू कैन ऑल्सो कंसिडर लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टू. लोकमान्य तिलक हो गया आपका, AC पाटिल हो गया, ये सारे आपके फिफ्थ नंबर पे आ जाएंगे क्योंकि प्लेसमेंट भी उतना ही है, फीस भी अराउंड उतना ही है. तो आप ये तीन कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो एट फिफ्थ नंबर. बट जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है वो वहीं के वहीं रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर पर. सो लोकमान्य तिलक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो. एंड यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. Thanks for watching and make sure to share and like this video and do subscribe if you haven't guys. Till then take care and milte hain apne next video mein.